हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप अपने फुल स्विंग फुल मोड के साथ अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका जैसा रेस्पॉन्स मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप अपने कमेंट्स में लिख रहे हैं, यू आर टेकिंग थिंग्स वेरी सीरियसली। तो बेटा, आज क्लाइंट इनकम की बात स्टार्ट करने से पहले एक बार एक थम्सअप और एक लाइक शेयर बटन को हिट कर दीजिए एंड वी कैन स्टार्ट फर्दर। देखिए, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स दिए गए टाइम टू टाइम, जिससे स्टडी को बेटर किया गया, इम्प्रूव किया गया। तो प्लांट इनकम की डिटेल में जाने से पहले उन्हीं सिस्टम्स की पहले बात करते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये चार क्लासिफिकेशन सिस्टम हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डील करने वाले हैं। यहां पे आप एक और जोड़ दीजिए, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा, आर्टिफिशियल सिस्टम, ये पहला अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का जहां पे एक या दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लीनियस ने प्रपोज किया, और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेस पे जो एक या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे, जैसे कि कलर हो गया लीफ का, नंबर हो गया लीफ का, शेप हो गया लीफ का, इस तरह के मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर उसको स्टडी करने की कोशिश की गई। और लीनियस का जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था बच्चों, वो एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। यू कैन सी हियर, मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस, पॉलीडेल्फस, है ना, ये सारे एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैरोलस लीनियस ने क्लासिफाई करने की कोशिश की। एरिस्टोटल ने जितने भी उस टाइम पे ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थे उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, इनेमा और अनेमा। बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का, कि विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड, विद और विदाउट रेड ब्लड। जिनमें रेड ब्लड था उनको एनेमा कहा गया, और जिनमें रेड ब्लड नहीं था उनको अनेमा कहा गया। ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था। इसी तरह हैबिटेट के बेस पर भी एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। हैबिटेट के बेस पर उसने कह दिया कि ये एक्वेटिक हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। तो हैबिटेट के बेस पे एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिज्म को तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल एंड एरियल। एरियल में सारे के सारे बर्ड्स आ गए, बैट आ गया। अब एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था प्लिनी एंड एल्डर, प्लिनी द एल्डर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट और एनिमल को क्लासिफाई किया, लेकिन उनका जो पैरामीटर था क्लासिफिकेशन का वो डिफरेंट था। उन्होंने लैंड, एयर और वाटर वर्ड यूज किया। एरिस्टोटल ने वही कहा था कि टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड एक्वेटिक, इन्होंने भी ये किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो बर्ड्स थे उनको और फर्दर क्लासिफाई कर दिया, या एनिमल जो थे उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, फ्लाइंग फ्लाइंग एनिमल्स एंड नॉन फ्लाइंग, उड़ने वाले और बिना उड़ने वाले। तो फ्लाइंग एनिमल्स में उन्होंने बैट को इंक्लूड कर दिया, बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को। बैट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन फ्लाइट एनिमल्स, और बाकी सारे नॉन फ्लाइंग हो गए। बट ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे बच्चों। ये बहुत इफेक्टिवली क्लासिफाई नहीं कर पाया ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली। इसकी वजह से जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थे वो सेपरेट हो गए, ठीक है ना। इक्वल वेटेज वॉज गिवन टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कम अफेक्ट होते हैं। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है ना, वो इजिली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरमेंटल कंडीशन से। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक रहा। तीसरा एक ड्रॉबैक ये आया कि उन्होंने होमोलॉजी को स्टडी नहीं किया, होमोलॉजी वाज नॉट स्टडी, कि डाइवर्जेंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ कन्वर्जेंस के बेसिस पे ये स्टडी कर दी गई, ठीक है ना। इसके अलावा नेचुरल रिलेशनशिप जो डिफरेंट टैक्सा का था उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया,
जो क्लोजली एफिनिटी वाले ग्रुप थे जैसे बैट और वेल, उनको अलग कर दिया गया। इसीलिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, विच वॉज प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर। ये बेस्ड था नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर। अब ये नेचुरल एफिनिटीज के ऊपर बेस्ड था तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर्स इंक्लूड हो गए, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स भी और इंटरनल कैरेक्टर्स भी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। और जो एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो दिया बेंथम एंड हुकर ने। होमोलॉजी को इंपोर्टेंस दी गई। होमोलॉजी क्या होती है, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, व्हाट इज होमोलॉजी। होमोलॉजी का मतलब है रिलेशनशिप ऑफ कंपेरेबल कैरेक्टर्स। होमोलॉजी मीन्स जो कंपेरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, कंपेरेबल कैरेक्टर्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, उनके ऊपर एम्फेसिस दिया गया। जैसे फोर आर्म है अलग अलग लैंड वर्टिब्रेट्स में, लैंड वर्टिब्रेट की फोर आर्म को हम कैसे होमोलॉजी के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। उनका जो फोर आर्म है वो पेंटाडेक्टाइल होता है, फाइव डिजिट्स होते हैं, तो उसको कंपेयर किया जा सकता है ना। लेकिन फंक्शन ये अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जैसे फ्रॉग में ये होपिंग के काम आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स में ग्रास्पिंग के काम आते हैं, वेल में ये स्विमिंग में हेल्प कर देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली वो सिमिलर दिखते हैं, तो इसी को होमोलॉजी कहा जाता है। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसका, उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने एक बुक में, और उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम बुक में तीन वॉल्यूम उन्होंने पब्लिश किए, जहां पे उन्होंने इस चीज के ऊपर एम्फेसिस किया। या हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इन थ्री वॉल्यूम्स ऑफ द बुक जेनेरा प्लांट है ना। ये कई सेंस में बेटर था एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे कैसे डिफर था, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट था। यहां पे सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कंपैरेटिव स्टडी की गई, उसकी वजह से ये ज्यादा इफेक्टिव हुआ। सेकेंडली, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर टेकन इन टू कंसिडरेशन। वहां पे एक और या दो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए गए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वर मोर। रिलेटेड जेनरा थे या रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक ही ग्रुप में रखा गया, वहां पे सेपरेट हो गए थे। देन इट इंक्लूडेड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आगे हम देखेंगे व्हाट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दिया गया है ना। इसी वजह से जो नेचुरल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो बेटर माना गया देन आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी भी ये परफेक्ट नहीं हुआ, अभी भी इसमें कुछ चेंजेस आने बाकी थे। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम का कंसेप्ट दिया डार्विन ने, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आया था उनकी बुक में, डार्विन की बुक में जो इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट आया था, बुक कौन सी थी, पूरा नाम बताऊं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द प्रिजर्वेशन ऑफ फेवर्ड रेसेस एंड द स्ट्रगल फॉर लाइफ, ये पूरा नाम था उसका। लेकिन हम उसको सिंपल में डार्विन की बुक को क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उस ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक में उन्होंने इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया, एंड इट वाज द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे जब स्टडी किया जाए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को बच्चों, तो उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अभी पीछे बढ़ाया था, उससे ये अजम्पशन होती है कि ऑर्गेनिज्म जिन जो एक टैक्सा में है उनका कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। आप देखिए एप्स और ह्यूमन बींग्स की यहाँ पे आप चीज देख सकते हो, 12 to 16 मिलियन ईयर्स अगो दे वर कॉमन, फिर वहां से ब्रांचिंग होना शुरू हुई, गिबन, गोरिल्ला, ऑरंगटून, चिंपैंजी अलग अलग चले गए है ना, और एक ब्रांच से मॉडर्न ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो बेटर था
एज कंपेयर टू अदरवाइज। तो ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम था, इसकी इंस्पिरेशन तो कहां से मिली? डार्विन से, बट इट वॉज प्रपोज बाय एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल प्रपोज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, लेकिन इसका भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या था? इन्होंने एंजियोस्पर्म के इवोल्यूशन को सिंगल स्ट्रोक से मान लिया। दे कंसिडर्ड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स फ्रॉम ए सिंगल स्ट्रोक, फ्रॉम अ सिंगल स्ट्रोक। इस वजह से थोड़ा सा उनको ड्रॉबैक हुआ। तो इसलिए इंप्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम प्रपोज हुआ। इंप्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज प्रपोज बाय हचिंसन कि भाई आपके इसमें तो ये कमियां हैं, आपको इनको सुधारना पड़ेगा। आप नहीं सुधार रहे तो मैं सुधार रहा हूं। तो हचिंसन ने ये नया सिस्टम दिया। इनके साथ एक और साइंटिस्ट थे, टैक्सजन, उनका भी नाम आप लिख सकते हो। तो इन्होंने इनकी जो कमियां थी इनको इंप्रूव करने की कोशिश की। बट फाइलोजेनेटिक सिस्टम इज डायनामिक, नॉट स्टैटिक, ये आपको याद रखना है। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं होता। कि ऐसा नहीं है कि भाई जो चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। एंड सेकेंडली इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप करके और प्रेजेंट फॉर्म के साथ उनको कंपेयर कर सकते हैं ना। लेकिन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि फॉसिलाइजेशन कंटिन्यूस होता रहता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज ऑनगोइंग प्रोसेस। एंड नाउ डेज वन मोर सिस्टम इज फॉलोड, जिसको हम कहते हैं बच्चों, जो मैंने ऐड किया था फोर्थ वन, दैट इज फेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल से हमने स्टार्ट किया, नेचुरल की तरफ गए, फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर कर लिया गया, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आ गई। बट नाउ फेनेटिक क्लासिफिकेशन, कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन देयर एफिनिटीज, बेस्ड ऑन देयर एफिनिटीज, सिमिलरिटीज। या डिफरेंसेस, एफिनिटीज, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना विदाउट सर्चिंग फॉर इवोल्यूशन, विदाउट सर्चिंग फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कि भाई फॉसिल्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, उसके बिना ही एफिनिटीज के बेस पे, सिमिलरिटीज के बेस पे, डिसिमिलरिटीज के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगी? फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहां पे अलग अलग ब्रांचेस से एविडेंसेस लेके उनको स्टडी किया गया। साइटोटैक्सोनॉमी, उसके बाद कीमो टैक्सोनॉमी, देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। इन चार एरियाज से जो यू कैन से एविडेंसेस लिए गए और उसके बेसिस पे फेनेटिक क्लासिफिकेशन की गई। अब ये क्या होता है? व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी, व्हाट इज कीमो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्लैडिस्टिक क्या होती है? तो क्लैडिस्टिक में सबसे पहले आपको बताता हूं, अगर हम सिमिलरिटीज को देखें, इफ यू सर्च फॉर सिमिलरिटीज ड्यू टू कॉमन फाइलोजेनी, कि भाई एंसेस्टर उनका सेम था, उसके बेसिस पे स्टडी किया जाए, तो अब ये दो टाइप का हो जाएगा। कि भाई एक तो एंसेस्ट्रल हो जाएगा, कि जैसे उनके एंसेस्टर थे, और एक डराइव्ड, कि उनमें कुछ चेंजेस आए और उसके बेसिस पे नए कैरेक्टर्स डेवलप हो गए। तो बेसिक बॉडी डिजाइन तो सेम रहता है, तो एंसेस्टर से ही आता है, बट एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से कुछ चेंजेस भी तो आते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो उसकी वजह से नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। तो जो एक या दो डेराइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो पूरा का पूरा सब ग्रुप शेयर करता है ना। तो ईच इवोल्यूशनरी स्टेप इन क्लैडिस्टिक प्रोड्यूसेस ए ब्रांचिंग। कि भाई आप लोगों ने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, ऑन्टोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी, है ना? ये पढ़ा है। व्हाट इज ऑन्टोलॉजी? ऑन्टोलॉजी रिपीट्स फाइलोजेनी। फाइलोजेनी होता है स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना, दैट इज नोन एज फाइलोजेनी। और अपनी खुद
की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करना वो क्या कहलाता है? ऑन्टोलॉजी। तो हम जब अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बात हुआ यंग वन बने, एडल्ट हुए, उसके बाद एजिंग आएगी, ओल्ड हो जाएंगे और फिर डेथ हो जाएगी, ये सारे फेजेस के थ्रू ही तो हमारे एंसेस्टर्स भी गए। तो वी आर रिपीटिंग, हम वही तो कर रहे हैं, वी आर रिपीटिंग हमारे जो एंसेस्टर्स की लाइफ हिस्ट्री थी उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। तो जब क्लैडिस्टिक स्टडी किया जाता है तो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे उसके बेसिस पे एक ग्रुप बन गया, लेकिन कुछ डेराइव्ड कैरेक्टर्स थे तो उसकी वजह से अलग अलग ग्रुप्स बन गए। तो ये डेराइव्ड कैरेक्टर्स वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स फेवर करते हैं, उनमें होते हैं, राइट? यस और नो? यस और नो बताओ। तो इसका मतलब क्लैडिस्टिक स्टडी में देर आर डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म, ठीक है, याद रहेगा। तो इससे इस तरह की ब्रांचिंग बनती है। उसके अलावा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? कि जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं जो दिखाई देते हैं कि भाई नंबर हो गया, नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ फ्लावर, ठीक है, तो उसके बेसिस पे स्टडी की जाती है, तो उसको हम न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कह देते हैं। आप प्लस माइनस सिंबल्स यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर एनालिसिस को उसके लिए यूज किया जाता है। तो न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश हो जाती है। यहां पे हर कैरेक्टर को इक्वल इंपोर्टेंस दी जाती है और हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड एट द सेम टाइम, ठीक है। नंबर दे दिए, कोर्स दे दिए, ऑल द कैरेक्टर और डाटा को कंप्यूटर के हेल्प से एनालिसिस कर लिया गया। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होगा? साइटोलॉजिकल स्टडीज, कि भाई क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर कैसे कैसे होता है, उनके बेसिस पर अगर स्टडी की जाए तो वो क्या कहलाता है? साइटोटैक्सोनॉमी। तो जो हर्बेशियस प्लांट, इसके बेसिस पे पता चला कि जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं वो मोर एडवांस हैं एज कंपेयर टू वुडी प्लांट्स, जिनका थिक स्टेम होता है। एक जैसे क्रोमोसोम नंबर मिल सकते हैं अलग अलग जेनरा में, जैसे कि भैया प्लांट की बात करें, सोलेनम जो स्पीशीज होती है, सोलेनम स्पीशीज में 12 क्रोमोसोम आर फाउंड और क्राइसेंथेमम में 9 मिलते हैं। क्राइसेंथेमम स्पीशीज में 9 क्रोमोसोम्स आर फाउंड। ह्यूमन बींग से 48 होते हैं, एफ में 46, सॉरी ह्यूमन बींग से 46 होते हैं, एफ में 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आया भाई कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो मतलब बायोकेमिकल, इसको बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स भी आप कह सकते हैं, कि केमिकल एनालिसिस करना, बायोकेमिकल सिस्टमैटिक्स, कि ऑर्गेनिज्म के केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उनको स्टडी करना, उनको क्लासिफाई करना। अब केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या आ जाएगा भाई? केमिकल कंपोजिशन में आ जाएगा जी डीएनए कंटेंट आ जाएगा जी, उनके प्रोटीन की प्रोफाइल आ जाएगी, एमिनो एसिड की कंपोजिशन आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें जब कंसिडर करके स्टडी की जाए तो उसको क्या कह देंगे हम? कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की बात हो, साइटोटैक्सोनॉमी की बात हो, कीमोटैक्सोनॉमी की बात हो या क्लैडिस्टिक्स की बात हो, ये दूसरे सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए, इसको हम करेंगे प्लांट किंगडम को, इसलिए मैंने इसको डेल कर दिया है। अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबको पता है, किसने दिया था? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय, बोलो फटाफट जल्दी से, कैरोलस लिनियस। कैरोलस ने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उस टाइम के उसको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांटिया और एनिमेलिया। बात खत्म, ठीक है जी। मैं ऑब्जेक्शंस नहीं बता रहा, मैं बाकी फर्दर डिटेल्स में नहीं बता रहा, ऑलरेडी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय हैकेल, हंस हैकेल। हंस हैकेल ने क्या कहा कि जितने भी यूनिसेलुलर एनिमल हैं, एल्गी हैं, फंजाई हैं, उनको सबको अलग अलग कर दो, क्योंकि उनमें टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता। और उसने प्रपोज किया किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा ग्रुप आ गया जी। किंगडम प्रोटिस्टा वाज प्रपोज बाय हंस हैकेल, ठीक। लेकिन इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुए साइंटिस्ट, अजी हम तो और काम करना चाहते हैं। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, जो किसने प्रपोज किया? कोपलैंड ने, ठीक। उन्होंने एक नया किंगडम बना दिया मोनेरा, ठीक। तो लिविंग वर्ल्ड अब चार किंगडम में क्लासिफाई हो गया। अभी अभी तक भी जो फंजाई थे प्लांटी के साथ ही थे,
उसके बाद आर एच विटिकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया, जहां पे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को इंपोर्टेंस दी गई। ठीक है, पांच मेन क्राइटेरिया यूज किए गए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, और अब फंजाई भी अलग से, फंजाई भी अलग से किंगडम बना दिया गया। तो अब पांच किंगडम हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी एंड एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी एंड एनिमिलिया। लेकिन आजकल सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ते हैं, कार्ल वूज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, उन्होंने मोनेरा को ही दो सब ग्रुप में आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में क्लासिफाई कर दिया है। एंड ही प्रपोज थ्री डोमेन सिस्टम, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये कंसेप्ट भी दिया। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता चला गया, चेंज होता चला गया। अब बच्चों हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। ट्रूली एक प्लांट किंगडम में क्या क्या हुआ, कैसे उनको क्लासिफाई किया जाता है, अब हम बात करेंगे प्लांट किंगडम।